अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है 6 जुलाई 2024। हमारा ट्रॉपिकल गार्डन तकरीबन 95% कंप्लीट हो चुका है। बस अभी थोड़ी सी प्लेसमेंट करना बाकी है। जिन पौधों को रिपोर्ट करना था वो कर लिया, जिन पौधों को शिफ्ट करना था वो भी कर लिया। अब यहाँ पर स्पेस काफ़ी हद तक बच चुकी है और बारिश भी हो रही है जनाब सुबह से। मैं ट्राई कर रहा था कि वीडियो शूट कर लूं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अब हल्की सी बारिश थम चुकी है, लेकिन हो तो ज़रूर रही है और मेरा कैमरा हल्का हल्का सा भीग भी रहा है। तो बरसाती मौसम में बरसाती ओवरव्यू देखिए हमारे गार्डन का कितना खूबसूरत अब ये व्यू दिख रहा है। सारे ही ट्रॉपिकल पौधे मैंने सेट कर लिए हैं, जो बड़े गमलों के अंदर लगाने थे वो भी लगा लिए हैं और मैंने पीछे टेबल भी एक रख दिया है। यहाँ पर वो पौधे मैंने रखे हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है और जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मैंने एंड पर रखा है ताकि यहाँ पर धूप ना आ सके और हमारे पौधे ख़राब ना हो सकें। और उससे पहले ये भी बता दूँ, अगर आप हमसे गार्डनिंग प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं या गार्डनिंग से हट के और बहुत सारी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, वो हमारी वेबसाइट से आप ख़रीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, hamzaexpress.com। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने से आपको डेली बेस पर जो भी स्टेटस होगा वो वहाँ पर आपको शो हो जाया करेगा और गार्डनिंग कैटलॉग भी आपके नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। विंटर सीज़न की वेजिटेबल, विंटर सीज़न के फ्लावर सीड्स और टूल्स वगैरह की अपडेट और प्राइस आपको कैटलॉग में ही शो हो जाएगी। आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकेंगे। और गार्डनिंग से हटके और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आप मग प्रिंट करवाना चाहते हैं, शर्ट, कुशन, बच्चों के लंच बॉक्सेस और स्कूल बैग्स के ऊपर भी आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। चाहे बच्चे की तस्वीर कराइए, चाहे जो मर्ज़ी करवाइए। तो फटाफट से नंबर को सेव कीजिए और जल्दी से जल्दी ऑर्डर भी कीजिए। जिस तरह आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, आप वहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी। एक बार ऑर्डर करके तो देखिए। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। इतना बोल दिया, असल में मैं अब सही हो रहा हूँ ना, तो रिकवरी जब हो जाती है ना, तो सेहत जब अच्छी हो तो बोलने को भी दिल चाहता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये हाइबिस्कस का पौधा जो कि एक ट्रे में लगा हुआ है, मैं दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने ये एक छाता सा पकड़ा हुआ, छतरी बनाई हुई है इसकी, क्योंकि बारिश कैमरे के ऊपर हो रही थी। तो इस ट्रे के अंदर मैंने पमस्टोन भर लिए है ताकि वाटर होल्डिंग भी हो जाए और मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाए इन पत्थरों के थ्रू। और यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं उनमें फिशबोन कैक्टस के कुछ पौधे बचे थे जो कि गर्मी की वजह से सारे मर गए, बस यही बचे हैं, इनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और एग्नोनीमा बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था, तो अब इनके पत्ते मैंने काट दिए हैं और इसको भी यहाँ पर रख दिया। मनी प्लांट के सिर्फ मेरे पास 3 गमले बचे हैं, एक तो न्योन मनी प्लांट जो अभी आप देख रहे हैं, और ये नॉर्मल वाला जो हर नर्सरी से आपको मनी प्लांट मिल जाता है ये है, और तीसरे वाला इस हैंगिंग पॉट के अंदर लटका हुआ है जिसके पत्ते अब ग्रोथ करना शुरू कर रहे हैं, और पुराने सारे पत्ते ही मैंने काट दिए थे, तो इसको भी शेडी एरिया में मैंने लटका दिया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये अच्छे से बढ़ जाएंगे। और जेली बीन कैक्टस देखिए, ये दो पौधे मैं लेकर आया था आज से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले, और एक तो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाया गर्मी की हीट की वजह से, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको मैंने शेडी एरिया में रख दिया है जहाँ पर बारिश भी कम आएगी, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और धूप की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा रियो ट्राइकलर का एक पौधा बचा था, उसको भी मैंने गमले के अंदर जो कि 8 इंच का प्लास्टिक का गमला है, इसके अंदर लगा कर रख दिया है। फिलोडेंड्रोन को भी मैंने 6 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है और इसकी टहनियाँ ट्रेलिस के ऊपर चढ़ा दी हैं, और इसके अलावा इसके अंदर भी फिलोडेंड्रोन ही लगी हुई है। ये देखिए, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बाग हमारा ऐसा बन जाएगा जो कि फुली ट्रॉपिकल एरिया होगा। और ये देखिए जनाब, टायर मैंने दीवार के साथ लगा दिया है और इसके अंदर मैंने हाइबिस्कस टिलिएसस का एक पौधा शिफ्ट कर दिया है, और आने वाले टाइम में जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर ये हमें यहाँ पर शेडी एरिया देगा, क्योंकि इस साइड से सूरज निकलता है तो यहाँ पर धूप आती है, तो फिर धूप जब निकलेगी तो यहाँ पर इस साइड पर जितने भी पौधे पड़े होंगे उनके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं आएगी। इसके नीचे मैंने डिफिन बाकिया के कुछ पौधे लगा दिए हैं जो कि मर रहे थे धूप की वजह से, और इनके पत्ते मैंने सारे काट दिए हैं। 12 इंच के गमलों के अंदर मैंने इसको लगा कर शेडी एरिया में रख दिया है, और इसके ऊपर ज़्यादा बारिश भी नहीं बरसेगी क्योंकि बारिश की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। और पीस लिली का पौधा भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इंशाल्लाह ये भी बड़ा हो जाएगा। एक हमारे पास पीस लिली का पौधा है जो कि गर्मी की वजह से बहुत बुरी हालत से गुजरा, तो इसकी टहनियाँ कल मैंने ज़्यादातर काट दी हैं और जो पत्ते सही थे सिर्फ उनको छोड़ा है। बरसाती मौसम से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और
मोर पंख का पौधा हमारा काफ़ी बड़ा हो गया जब मैंने नर्सरी का सेटअप शुरू किया था अपने फार्म हाउस पर। उस वक्त का ये पौधा है और इसको मैंने बाल्टी के अंदर लगा दिया था, पेंट वाली बाल्टी है। और इसके अंदर अब आकर देखिए कितना मोटा इसका ट्रंक, देखिए कितना थिक ट्रंक हो चुका है। या इससे भी बड़े गमले के अंदर लगाया होता तो अब ये एक दरख्त बन चुका होता, लेकिन ये अब भी किसी से कम नहीं है। देखिए अब इसके ऊपर बीज भी लग गए हैं और बीज भी काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। लश ग्रीन ग्रोथ चल रही है क्योंकि अब बरसाती मौसम शुरू हो चुका है। हमारे पास वंडरिंग जू ख़त्म होने के करीब थी, सिर्फ यही एक पौधा बचा है वंडरिंग जू, जो कि ग्रीन कलर की है। इसको मैंने बचाने की फुल कोशिश की है और इंशाल्लाह अब ये बच जाएगा क्योंकि बरसाती मौसम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो वेरीगेटेड वंडरिंग जू है उसकी भी बुरी हालत चल रही है, लेकिन अब बरसाती मौसम शुरू हो चुका है इसलिए इसकी टहनियाँ भी मैं काटूंगा और गमले के सरफेस के ऊपर फेंक दूंगा, मिट्टी में दबाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वंडरिंग जू मिट्टी के सरफेस के ऊपर अच्छे से फैलती है। अगर इसको मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो ये गल जाएगी। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है जो कि मैंने इतने सालों में हासिल किया। और इसके अलावा जो टर्टल वाइन है, जो टेंगल हार्ट है, उसको भी सरफेस के ऊपर सिर्फ फेंक दीजिए तो जगह जगह से इसकी रूट्स निकल कर मिट्टी में शामिल हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो फिर ये गल जाएंगी, बड़ी नहीं होंगी। सिर्फ मिट्टी के ऊपर किसी भी टाइप की मिट्टी हो आपने फेंक देना है। पानी कम मिले तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा मिलेगा तो टहनियाँ गल जाएंगी। तो जब भी आप ऐसे पौधों को लगाएं हैंगिंग पॉट्स के अंदर तो मिट्टी के सरफेस के ऊपर इसको फेंक दिया करें, तो कुछ दिनों के अंदर इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है और मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही तकरीबन एक इंच की लेयर है मिट्टी के ऊपर की, जहाँ पर इसकी जड़ें ग्रोथ करती हैं। बाकी बॉन्साई भी मैंने, चलिए बारिश थोड़ी थम चुकी है, बॉन्साई भी मैंने देखिए एक छोटा सा अपने इस गमले के अंदर रखा है, जो कि मैंने तकरीबन 2016 में ये गमला बनाने का तरीका बताया था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो इसके अंदर मैंने कैक्टस सॉइल भर ली है और इसके अंदर मैंने ग्रीन आइसलैंड फाइकस को शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए ये भी बॉन्साई हमारा कितने खूबसूरत लग रहे हैं जब बारिश भी हो रही है और उनकी वजह से इनके पत्ते लश ग्रीन भी हैं। तो पौधों की प्लेसमेंट तो इंशाल्लाह अब आने वाले टाइम में होती ही रहेगी और आने वाले टाइम में मैं और भी पौधे लेकर आऊँगा, वीडियो भी बनाऊँगा, उनकी प्राइस भी बताऊँगा और इंशाल्लाह जो पौधे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनाएंगे, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाया करेंगे, लेकिन जब पौधे हम तैयार करेंगे। तो फिलहाल के लिए लाहौर में दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं पौधों की सेल, लेकिन आउट ऑफ सिटी हम अभी तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे जब ना गर्मी के दिनों में जब हम उसको शहर से बाहर भेजते हैं तो डिलीवरी होते होते ही पौधा मर जाता है। एशियन जैस्मीन देखिए अब इसकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और इसको, इसकी टहनियाँ थोड़ी लंबी हो गई थी, मैंने जगह जगह से इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, मतलब एक लंबी सी टहनी थी, थोड़े थोड़े फासले पर मैंने इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया है। अब यहाँ से नए पौधे, मतलब नई जड़ें आना शुरू हो जाएंगी, उतने ही पौधे बन जाएंगे जितना मैंने इनको मिट्टी के अंदर दबाया है। इसके अंदर अभी वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी के बीज डालने हैं। इस वक्त मेरे पूरे गार्डन में वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी के, यानी कट लीव मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे नहीं हैं, बेले नहीं हैं, वो भी मैं फेंक दूंगा डब्बे के अंदर और यहीं पर वो जर्मिनेट होंगे और पौधे भी बन जाएंगे। अभी इस वाले पोर्शन की मैंने सेटिंग कर ली है, कुछ पौधे यहाँ से निकालने हैं। जैसा कि ये एक सैक्यूलेंट पौधा है कांटों वाला, लेकिन इसके कांटे बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये देखने पर बहुत खूबसूरत लगता है, इसको फूल भी लगते हैं। छोटी छोटी सी कलियां अभी बन रही हैं इसके ऊपर, इसको किस तरह का फूल लगेगा जब फूल खिलेगा तब हमें पता चलेगा। सदाबहार का पौधा तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कोयलों के अंदर। देखिए इस गमले के अंदर सिर्फ कोयले हैं और एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है और उसमें से भी पप्स निकल रहे हैं। ये खाने वाला एलोवेरा नहीं है, ये खूबसूरती के लिए लगाने वाला एलोवेरा है और इसके ऊपर देखिए ये फूल भी खिले हुए हैं सदाबहार के पौधे के ऊपर, यानी विंका के ऊपर। ये वो विंका का पौधा है जो कि 12 महीने रहता है। सर्दी के दिन में थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा, हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, गल जाए, या हो सकता है कि इसके पत्ते गिर जाएं, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे तो फिर से नए नए पत्ते इसके निकलने लगेंगे और पौधा हमारा बुशी बन जाएगा। इस पोर्शन को अभी मैंने छेड़ा नहीं है क्योंकि इस पोर्शन में तकरीबन 8 पौधे हमारे हरी मिर्च के लगे हुए हैं। तो जैसे ही 8 गमले यहाँ से मैं उठाऊँगा, स्पेस हमारी बहुत खुली हो जाएगी। मिर्च के पौधों को मैं उठाकर अपने दूसरे खुले टेरेस पर रख दूंगा क्योंकि इन पौधों को धूप की ज़रूरत भी होती है और अब जो धूप निकलेगी वो इनके लिए नई ज़िंदगी देने का बायस भी बनेगी, क्योंकि जून के महीने की गर्मी बहुत सख्त होती है, लू वाली गर्मी होती है, इसलिए पौधों के पत्ते झुलस जाते हैं। केले के पौधे को अभी मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, मतलब इनके जो पप्स हैं वो डिवाइड नहीं किए हैं, वो भी करूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा कि कैसे आपने इनको तीनों पौधों को अलग अलग करना है, इवन कि ये एक ही पौधा लगा होता था। तो जगह जगह से पप्स निकले और उन पप्स को हमने निकाल कर बरसाती मौसम में लगाना है ताकि इनका मोर्टैलिटी रेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
बस जनाब फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में नई नई इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और अभी हैंगिंग पॉट्स को भी मैंने एक तरतीब में लगा दिया है। ये वो हैंगिंग पॉट्स हैं जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, इनके अंदर कोई पौधा अब नहीं है, सब मर गए थे गर्मी की वजह से। इनके अंदर भी कुछ पौधे लगाने हैं और अपने इसी एरिया में कहीं ना कहीं हैंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हैंग करने से बहुत सारा ट्रॉपिकल एरिया लुक हमें मिलेगा जो देखने पर खूबसूरत भी लगेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और आपके शहर में बरसाती मौसम शुरू हुआ है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।